दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बिजली बिल को पे करना चाहते हैं या आप ऑनलाइन बिजली बिल को देखना चाहते हैं या बिजली बिल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके पास कस्टमर नंबर, कस्टमर आईडी आपके पास या उपभोक्ता संख्या बोल सकते हैं आपके पास होना जरूरी है, तभी आप जो है ऑनलाइन बिजली बिल को डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं या आप जो है पे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सीए नंबर या कंज्यूमर नंबर नहीं है तो आप ऑनलाइन कैसे पता करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आपके पास तीन तरीका है पता करने का, तीनों तरीका मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। जो आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से आप जो अपना कस्टमर नंबर को पता कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपके पास कस्टमर नंबर नहीं है तो आप बिजली बिल को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, कस्टमर नंबर जो है वो आपके बिजली बिल में होता है। जब आप बिजली बिल कभी निकलवाइएगा घर में तो वहाँ पर आपको जो है कस्टमर नंबर, उसमें आपको पर्ची जो बड़ा वाला आता है उसमें रहता है। लेकिन अगर आपके पास वो पर्ची नहीं है, कहीं खो दिए हैं, तो आप कैसे सीए नंबर पता करेंगे? तो कस्टमर नंबर पता करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है, मैं आपको बता ही दिया हूँ। पहला ऑप्शन तो ये है, आप जो है 1912 पे कॉल कीजिए। जी हाँ, 1912 जो आपका टोल फ्री नंबर आता है उस पर कॉल कीजिए, कस्टमर केयर से बात कीजिए। वहाँ पर बोलिए, भाई मुझे जो है कस्टमर आईडी, मुझे कस्टमर नंबर पता करना है, तो वो आपको बेसिक डिटेल मांगेगा। उसके बाद आपको वो कस्टमर आईडी प्रोवाइड कर देगा आपका। उसके बाद आप जो आपको करना होगा कर सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये दोस्तों है कि आप जो ऑनलाइन निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऑनलाइन अभी निकालिएगा, मैं अभी वेबसाइट को चेक कर रहा था तो यहाँ पर दिखाता है क्लिक हेयर टू नो योर सीए नंबर। लेकिन अगर आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो उसका सर्वर काम नहीं करता है, वो एरर शो करता है। मैं आपको एरर भी दिखा दूंगा। तो दूसरा तरीका तो भाई अभी जो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ अभी तो ये फेल है। तीसरा तरीका दोस्तों ये है, जो आपके घर में जो बिजली निकालने के लिए आता है, कोई घर में जो आपको बिजली निकालने आता ही होगा, अगर उसको आप जानते हैं तो उससे आप बात कीजिए या उसको बोलिए, भाई मुझे जो सीए नंबर पता करना है, तो आपको वो मीटर जो आपके घर में लगा हुआ है वो मीटर में आपका सीरियल नंबर लिखा रहता है, वो सीरियल नंबर आपको मांगेगा। उस सीरियल नंबर से आपको जो है कस्टमर आईडी, कस्टमर नंबर आपको जो वो बता देगा। तो ये तीन तरीका है जिसकी मदद से आप जो है कंज्यूमर नंबर या बोल सकते हो भाई सीए आईडी, कस्टमर आईडी को पता कर सकते हैं। तो ये तीनों तरीका, आप किसी को तरीका को आप फॉलो कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी तरीके का समस्या आता है बिजली विभाग से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।